वालेकुम जी, आज का व्लॉग है पाकिस्तान के सबसे बड़े सिटी कराची एंड 12th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का। लेकिन कराची को एक्सप्लोर करने से पहले चलते हैं इस्लामाबाद सेंटोस मॉल, जहां पर हमारे फैमिली के सबसे यंगेस्ट स्टाइल की बर्थडे हुई और यूं शुरुआत हुई हमारे खूबसूरत इंफॉर्मेटिव और लंबे तरीन सफर की फ्रॉम रावलपिंडी टू कराची। जोहेब की बर्थडे तो हमने बहुत एंजॉय की फन सिटी सेंटोस मॉल में, और सेम डे प्लान किया के चलते हैं मेगा लॉन्ग टूर के लिए कराची, क्योंकि कराची लब है जानी, चूमे ये दिल के अंदर। कराची लब है जानी, चूमे ये दिल के अंदर। हमारा फर्स्ट डे हुआ लंच के लिए M4 शाह शम्स तबरीज इंटरचेंज के पास शाह जी रेस्टोरेंट पर, जहाँ की एम्बियंस और खाना हमने बहुत एंजॉय किया। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटरवे ख़त्म हो गया, और आज रात हमने स्टे करनी है सकर में, और इंशाल्लाह कल हम कराची के लिए दोबारा रवाना हो जाएंगे। सकर में नाइट स्टे किया, फिर हम निकल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कराची की तरफ। सखर में ट्रैवलिंग के दौरान हमने खजूरों और आमों के खूबसूरत बागात देखे, और फिर हम हैदराबाद से गुजरते हुए फाइनली इंटर हुए कराची में। नींद गई, चैन गया, सावन बिन रहन गया, मैं जानूं क्या है ये रास। मैं नाते तोड़ाया, यार कहीं छोड़ाया, बिन सरगम जैसे हूँ।
हम यहाँ ऑलमोस्ट शाम के 4 बजे पहुँचे और हमने बीच लग्जरी रिजॉर्ट में बुकिंग करवा ली और फिर डिसाइड किया कि बाकी का दिन होटल में ही स्पेंड करेंगे। करे रातें बर्बाद करे पर कह ना पाए ये राज। मन करे भुला दूं गिले ना रहे शिकवे किले तुझको दूं ऐसे आवाज। पर दिल करे तो क्या करे। बीच लग्जरी रिजॉर्ट का बैक व्यू बहुत ही खूबसूरत है। होटल की बैक साइड पे लॉन में हम रात देर तक बैठे रहे, प्लस हमारे छोटे कजन्स खेलते रहे एंड देन हमने डाइन आउट किया और कराची की फेमस बिरयानी को एंजॉय किया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े कराची के सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट सी व्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सी व्यू के गेट के बाहर और यहाँ पर आने के लिए हम सारे ही बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सिर्फ हम नहीं पूरे पाकिस्तान में जो भी कराची आता है उसके जहन में सबसे पहले सी व्यू होता है कि भाई सी व्यू पर जाना है। तो इस वक्त हम लोग भी सी व्यू पर मौजूद हैं, तो आए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। We'll be right back.
हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मज़ार कायद। सो हमने कायद आज़म के मज़ार पे फातह ख्वानी की एंड लकली हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ दुआ सेरेमनी स्टार्ट हुई थी। सो हमने दुआ में शिरकत की और मज़ार का विज़िट किया। अभी तक हमने मज़ार को जस्ट बुक्स में ही देखा था, बट आई थिंक कि रियल में मज़ार की खूबसूरती बुक से कहीं ज़्यादा है। सेम डे पे हमें इनविटेशन मिला अपने अंकल की तरफ से हाई टी पे, बट हमारा प्लान था कि हम PAF म्यूज़ियम को भी विज़िट कर लें। सो हम आ गए हैं PAF म्यूज़ियम में। म्यूजियम के लॉन में एयरक्राफ्ट, वेपन और रडार को डिस्प्ले किया गया है और म्यूजियम के अंदर मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट और इसके अलावा भी बहुत से इक्विपमेंट डिस्प्ले थे जो वॉर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने यूज़ किए। सो म्यूजियम का विजिट काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा। सिला है उसको मिला है उसको, वो बस अंधेरों का सूरमा है, चमकते सूरज का प्यार मैं हूँ। आए मैं आपको जहाज के इंजन दिखाता हूँ। सोहेल अंकल की दावत में शिरकत के लिए होटल पहुंच गए और वहां अंकल और कज़न के साथ हाई टी इंजॉय की, प्लस गपशप सेशन भी चलता रहा।
और यूं हुआ आज के दिन का दी एंड, बट आवर नेक्स्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रिप इज कमिंग सून। टिल देन अल्लाह हाफिज़।